पास एग दे देना, उनका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इन्होंने जुनल फीमेल इतने सारे एग दे देंगे, उनको क्या फायदा। दोनों आज रिंगनेक बाहर निकले हुए, रिंगनेक भी और रिंगनेक की फीमेल भी बाहर निकले हुए। अब देखना हम जैसे ही अंदर जाएंगे ना, रिंगनेक फुल तेज़ी से अंदर जाएगी गोली की तरह। देखना आप ये देखें, अब हम ऐसे ऐसे खिड़की खोल रहे हैं और रिंगनेक की फीमेल को देखना किस तरह जाएगी अभी। ये देखिए वो जल देखें दोस्तों, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। आज मौसम भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है और फ्लाइंग करते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो दोस्तों? आज ना हम अपने रिंगनेक को देखने आए हुए थे। वो दोस्तों देखो तो इधर जो ना अभी इधर ना एक कैट बैठी हुई थी, बिल्ली बैठी हुई थी एक, इधर सारा दिन बैठी रहती है। घर वाले कह रहे थे वो सारा दिन बैठी रहती है, और क्या पता वो किसकी बिल्ली है। और दूसरी बात यह है कि वो यार मेरे बर्ड्स के ऊपर अटैक भी कर सकती है, और हमारे टोटो के ना एग भी आए हुए हैं, शायद वो उन्हें डरा भी सकते हैं। इसलिए ना अल्लाह पाक का शुक्र है इधर ही बैठी रहती, नीचे नहीं आती, और इनका कपड़ा वगैरह लगा होता है। और दूसरी बात यह है कि जो मेरा रहा पैरेट का जो टोटो है, वो हमारा उनका केज है ना, वो बहुत ज़्यादा पीछे है, तो इसलिए वो जो है ना आगे नहीं आ पाते, नहीं वो डरते हैं, क्योंकि ऊपर बैठे होते हैं, नीचे वो फिर के ऐसे ही बस ना विज़र करके चली जाती है। बर्ड को कोई नुकसान वगैरह नहीं होता, क्योंकि हमने जो है ना आगे से ये जाली वगैरह लगाई हुई है, तो इसलिए हमारे बर्ड जो है ना हैप्पी हैं, और बिल्ली वगैरह से बिल्कुल भी नहीं डर रहे। वैसे भी ये कौन सा अंडे दे दे के थके पड़े हैं जो डर जाएंगे, लेकिन हमारा टोटो नहीं डरता, क्योंकि वो अंदर ही बैठे हुए हैं, ये बाहर बिल्ली वगैरह फिरती रहती है। दोस्तों हमारा जो है ना पौधे वगैरह ये देखें, ये माशाल्लाह से हरे भरे होने लगे हैं, ये माशाल्लाह से हरे भरे होने लगे हैं। ये देखें माशाल्लाह से घास भी उग रहा है इनमें, ये बेले हैं फैंसी, और ये भी पपरी है, इस पर बीज लगते हैं माशाल्लाह से। ये देखें ये बीज सूखे हुए हैं, अगर मैं इधर से काट दूँगा फिर ये नहीं लड़ी आएगी, लेकिन अभी काटता नहीं, खुद पर खुद ये गिरेगी और खुद पर खुद ये नहीं आएगी। इनको जो है ना पानी वगैरह हम देते रहते हैं। चेक करो यार, ठंडा मौसम है और ठंडे मौसम के अंदर जो है ना टुकड़ी के कबूतर टोली वाले कितने ऊपर चले गए हैं। देखें दोस्तों ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, आज मौसम भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है और फ्लाइंग करते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों हमें टोटो की फीमेल ना बिल्कुल छुपके से देख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा हम इनको डराते नहीं हैं, क्योंकि मेरा दोस्त है वो भी ज़्यादातर देखता रहता था और इनको डराता रहता था। उनके एग भी निकले हुए थे, लेकिन जो है ना एग वो एक्सपायर हो गए, उसमें से बेबी नहीं निकले, और दोबारा उन्होंने अभी तक एग वगैरह नहीं दिए, तो हम जो है ना इनसे बहुत ज़्यादा पीछे रहते हैं, इनको डराते नहीं हैं। अगर ये डर जाते हैं ना फिर ये ब्रीडिंग मतलब कि एग जो उतरे हैं उनसे बेबी नहीं निकलेंगे, तो हमें इन चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा और बहुत ही कम जो है ना इनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये जो है ना डर जाती है, उसके एग से बेबी नहीं निकलते। लेकिन हम इतना डराते तो नहीं, हमारा जो केज है ना वो बड़ा बड़ा माशाल्लाह, और रिंगने टोटो जो है ना बैठी जाती है, फीमेल अभी भी देख रहे, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि जो है ना फिर वो एग वगैरह बैठी हुई है ना, फिर ये ना डिस्टर्ब हो जाए। तो यार ये देखें रिंगने सामने बैठा हुआ कितने प्यारा लग रहा है। दोस्तों जब हम ले के आए थे ना, इनकी पूछ बिल्कुल भी नहीं थी, नेल टेल बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, गंजे घुचूपड़े से थे, पैसे अजीब गरीब लगते थे। अब देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। हमने ना इनकी बिल्कुल हिफाजत केयर की है, बेशक छोटे केज पर थे लेकिन अच्छी अच्छी केयर की है। यार फिन चीज़ की बिल्कुल चुप छुपाते कैसे हो गए, देखें शोर भी नहीं मचा रहे यार, एक जगह पे कैसे चुप करके बैठ गए, देखिए अब मचाने लगे हैं। मैंने कहा यार फिंचेस नज़र भी नहीं आ रहे और शोर नहीं मचाने लग रहे। अब देखो तो माशाल्लाह देखिए हमारे फिंचेस है ना शोर शराबा मचाने पे लग गए। ये देखें इनके बाकी छोड़े दोस्तों, इनकी जो है ना हरकतें बहुत चेक करें, फनी हरकतें हैं। देखें मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों मैंने बस बताना कि आपको हमारे फिंचेस का फेवरेट कलर कौन सा लग रहा है। मेरे तो वैसे फेवरेट सारे फेवरेट हैं, वाइट वाले भी और ग्रे वाले भी, और सारे फिंच जो है ना मेरे फेवरेट हैं, ज़ेबरा फिंच। बाकी आपको जो कलर पसंद लगता है अपने कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दे देना। फिर इधर नीचे वाले जो बॉक्स है ना इधर नहीं जाती, ये ऊपर वाले बॉक्स पर जब जाती है। और देखें बेबी को देखें, उसकी एग देने की मौसम ब्रीडिंग करने की उम्र ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना वो सामने वाला जो है ना घर उधर कब्जा करके बैठे और किसी को जाने भी नहीं देता, खुद बेबी है और बड़ों को नहीं जाने देता। जो ब्रीडिंग करते हैं उन्हें जाने देता, जो ब्रीडिंग नहीं करता वो कब्जा करके बैठा। बताओ यार क्या हालात है इनके, ये तो हैरत की बात है यार। ये लबर्स बैठे हुए हैं यार, इन्होंने अभी तक एग वगैरह से बेबी पता नहीं क्यों नहीं निकाले, और क्या रीज़न है हमें नहीं पता। दोस्तों हमारे जो चुटकी बैठी है ना बॉक्स के अंदर मटके के अंदर, इनके देखते हैं आज एग वगैरह है नहीं है। देखें दोस्तों सामने टोटो की फीमेल बैठी हुई है और हमें देख रही है, ये बल्कि बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। भाई साहब मेल है, फीमेल बैठी हुई है, इनको डिस्टर्ब नहीं करते, थोड़ा बाहर जाते हैं, ये बाहर आएंगे फीड वगैरह खाएंगे। यार इनकी तो फीड वगैरह पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है, इनकी फीड वगैरह पड़ी हुई है, फुल टोकरी करके गए थे इनके, फल फ्रूट हर चीज़ चने वगैरह डाल के गए थे, और बजिश की ख़त्म हो पड़ी है मेरे ख्याल में, इसलिए जो है ना ये चुप छुपाते बैठे हैं। चलो
चलो अभी इनको भी डाल लेते हैं। मैं कहता हूँ ऊपर से कपड़े वगैरह हटा दो, फिर मैं कहता हूँ नहीं लगाना पड़ेगा फिर, और लोहे वाले तारों से टाइट हुए हुए, तो फिलहाल जो है ना इनको हम कपड़ा वगैरह अभी लगा रहता है और इनको फीड वगैरह अपने बजिस को जो है ना डाल देते हैं। जो आज देखते हैं कभी रानी के बॉक्स में ना मटके में कभी उनकी बेबी बड़ी हुई है, कभी बड़े बड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रही है। देखते हैं इनकी मटके में एग आई हैं अभी तक नहीं आई। देखते हैं दोस्तों आपको दिखाते हैं, इनकी खिड़की वगैरह खोलते हैं, बाहर से खिड़की का लाख लगा देते हैं ताकि कोई बर्ड जो है ना बाहर फ्लाइंग वगैरह ना करके जाए। ये लाक लगा दिए फाइनली, अब हम अंदर जाके देखते हैं, मतलब अंदर सॉरी नहीं जा सकते, बाहर से ही आपको खिड़की वगैरह खोल के दिखाते हैं। बर्ड फ्लाइंग ना कर जाए, अगर फ्लाइंग करके तो बहुत ही मुश्किल होगी। सब मटके चेक करते हैं पहले, मटकों में शायद इनके एग वगैरह अभी तक आए हैं या नहीं आए। ये तो मटका खाली पड़ा हुआ है, ये भी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह एक एग उतरा हुआ है दोस्तों। देखें ये मुझे लगता है ये इस वाली फीमेल का, ये जो सामने बैठी हुई है ये वाली, इसका मुझे एग लग रहा है। और इसका मेल ये सामने बैठा हुआ है, ये वाला दोस्तों, ये जो साथ जा रहा है इसके, ये मेल है, ये दोनों पेयर हैं। और ये जो है ना ब्रीडिंग इन्होंने कर ली माशाल्लाह से, पहले क्लच का इनका पहला एग आ गया और हमारे बेबी का माशाल्लाह मुबारक हो। और ये देखते हैं जी इसमें कुछ है जी, ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए दो एग आए पड़े हैं। अब ये नहीं पकता कि इसके बेबी की हैं या फिर रानी की हैं। रानी भी हमें देख रही है गुस्से से और रानी कह रही है जी मेरे एग को मत छेड़ो, लेकिन रानी ने एग वगैरह दिए नहीं दिए, रानी भी देने वाली, लेकिन ये दो एग आए हुए हैं, ये रानी के बेबी के हैं, इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब वगैरह नहीं करते दोस्तों। ये वाली फ़ीमेल है जो सामने बैठी हुई है ब्लू कलर की, इसने जो है ना एग उतारा हुआ है पहला क्लच का। ये हमारे मिनी जूम का जो बबलू रानी थे उनकी बेबी है और माशाल्लाह इन्होंने ब्रीड भी कर ली और सब ब्रीडिंग के लिए तैयार हो गए। और देखें यार वो छिपली अंदर भाग रही है, वो देखें कहाँ गई यार, कहाँ गई, भाग गई अंदर। और ये देखें माशाल्लाह से सब जो है ना बर्ड वगैरह हमारे बजिस हैं ये सब जो है ना ब्रीडिंग पर हो गए हैं। अब एक बजे करके जो हमने मटका लगाया, चलो मटका लगाने का कोई तो मिशन कामयाब हुआ, पहला तो एग आ गया इस मटके में, अब इस मटके में एग पड़े, इस मटके में एग पड़ते हैं, अब देखते हैं कि पहले किसके बेबी निकलते हैं। फिंच अब शोर मचा रही हैं दोस्तों, तुमने अंडों पर स्टॉक लगाया हुआ है, अंडों पर स्टॉक लगाया हुआ है। देखें दोस्तों मैं दिखाता हूँ, तकरीबन 10 से 12 एग हुए हैं और इन्होंने बेबी नहीं निकाले। क्यों नहीं निकाले वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों फीमेल हैं तो जितने मर्ज़ी एग दे दें, चाहे 50 एग दे दें, बेबी तो उसमें निकलने वाले नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें चाहे ये 50 एग ही दे दें ना, उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इन्होंने जो हैं दोनों फीमेल इतने सारे एग दे देंगे उनको क्या फ़ायदा। यार ये फीमेल जो है ना हम बहुत ही जल्द चेंज करने वाले हैं या देने वाले हैं भाई साहब, ये हमारे मेरी जूम में नहीं रह सकती क्योंकि दोनों फीमेल हैं और नए नए बर्ड्स लेके आएंगे। यार लबर्स ना दिल खट्टा हो गया, एक दो प्यार रखूँगा, ये लबर्स दे दूँगा, ये भी दे दूँगा और ये भी दे दूँगा, लबर्स चले जाएंगे, नए नए बर्ड आएंगे, उनके ब्रीडिंग करवाएंगे, जो कि मिनी जूम में शोर वगैरह सारा दिन होता रहे, तो यार वो ही बर्ड लेके आएंगे। तो फिर टोटो की फीमेल बाहर से मैं देख रही है, हम चले जाते हैं बाहर, ये ना उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ यार एक चीज़ और, फिंच को जो है ना फीड वगैरह डालते रहते हैं, इनकी फीड ख़त्म हो ही पड़ी है। लेकिन दोस्तों फिंच को फीड वगैरह डाल रहे हैं और देखें किस तरह ये फ्लाइंग करेंगे यार इधर उधर, क्या करें, इनकी छोटी टोकरी लेके आएंगे ये भाई साहब, देखें इनको डाल रहे हैं जी फिंच को फीड वगैरह, और देखें किधर इधर उधर फ्लाइंग कर रही हैं। टोटो को भी डरा देती हैं, गंद वगैरह कितना किया हुआ है, जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो दोस्तों इनका कुछ नहीं होता, ये हर 5 मिनट बाद जो है ना गंद वगैरह नीचे गिराते हैं। उधर रिंग नेक के काम देखें, सारे गत्ते जो है ना मतलब कि अपनी चूँ से कुचर कर सारे नीचे गिरा रखे हैं। अंदर थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है यार, और जो है ना हम बाहर आ गए हैं, बाहर का मौसम थोड़ा खुशगवार है, अंदर फुल जो है ना गर्मियाँ चल रही है, बर्फ़ की भी और हवा भी लग रही, तो हम कोशिश करेंगे जो अपने बर्ड्स के लिए ना सबसे पहले यार इधर जो है ना लाख लगा दें थोड़ा सा। हाँ ठीक है, नहीं लाख नहीं लगाते अभी, अंदर ही हम खड़े हैं इधर। तो यार सबसे पहले ना हम ये सिस्टम करेंगे जो अपने बच्चेस और जितने भी बर्ड्स वगैरह हैं इनकी जो छत के ऊपर ये कपड़े वगैरह लगे हुए ना, ये सिस्टम करेंगे। सुबह के टाइम लगा लिया, दोपहर के टाइम भी लगा लिया और शाम के टाइम जितना ठंडा मौसम है इस टाइम निकाल लिया। देखें बर्ड्स देखें दोस्तों, चिड़िया वगैरह देखें, ये देखें किस तरह फ्लाइंग करके जा रहे हैं टोली बना के, ये देखें ये सब इधर बेरी वगैरह भी आएंगी थोड़ी देर होने, तो मैं आपको दिखाऊंगा बेरी के ऊपर इतना सारे चिड़िया वगैरह होती हैं भाई साहब। और ये देखें ऐसा एक बजे करके सब इस बेरी पर आएंगी और शाम होने वाली है, देख सकते हैं ये देखें अभी टोली बना कर ना ये फ्लाइंग कर रही है, कितने प्यारे लग रहे हैं यार माशाल्लाह माशाल्लाह यार ज़बरदस्त बोल रहा है। हम शायद कबूतर वगैरह भी बैठे हैं उधर दोस्तों, हमारे फिंच वगैरह ना फीड वगैरह खा रहे हैं सब आगे, इनकी फीड ख़त्म हो गई थी इसलिए हमने फीड वगैरह इनको ला के दी है, अभी खुशी खुशी फीड भी खाएंगे और जो है ना हैप्पी हमारे मेन जूम में रहेंगी। हम इनको देने वाले थे, अगर जिसने लेने थे ना वो भाई अभी तक हमें जो है ना कह रहे हैं भाई उठा लेता हूँ आजकल ही हैं, तो उसी के जब मर्ज़ी उठाए वो उठा सकता है, जैसा ही है जाएंगे ना दोस्तों। अफसोस तो बहुत, और फेवरेट थी
लेकिन इंशाल्लाह फिर भी हम इनसे अच्छे अच्छे नए नए बर्ड लेके आएंगे और हम उन्हें भी इंजॉय करेंगे, कोई भी इंजॉय करेंगे और आपको भी इंजॉय कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारा व्लॉग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल वाजिद टेक्स वाला को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं जी कल की नई वीडियो में, अब भी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये पौधे देख रहे हैं ना आप, ये सब हम इधर पौधे वगैरह लगाएंगे, इधर सब पौधे वगैरह लगाएंगे और हर किस्म के लेंगे आएंगे। कमेंट बॉक्स में रह देना आपने पौधों वगैरह का नाम बताने हैं, फिर वही पौधे हमने अपने मिनी जूम के बाहर लगाने हैं और बर्ड को हिलिया रही रैली करेंगे और हैप्पी हैप्पी लेंगे। देखने रिंग नेक फिर आ गया, मेल अंदर भाग गया था दोस्तों, अब रिंग नेक मेल बैठा हुआ है। देखें दोस्तों ये मटकी पर जा रही है अपनी फीमेल, मैंने जैसे आपको दिखाई थी हमारी फीमेल पहला एक दिया हुआ है बिल्लू की। ये देखें हमने इधर भी छोड़ा था लेकिन इधर जो है ना जगह सेक्सटी नहीं कर पा रही थी, मतलब कि जगह मेंटेन नहीं कर पा रही थी, तो फिर हमने इधर से पकड़ के दोबारा उसे फार्म पर छोड़ दिया और उधर मटके लगा दिए इधर से उतार कर। देखिए हम उधर माशाल्लाह पहला एग भी उतरा हुआ है उनका और जो है ना ये दो तीन और एग भी देंगे, चार दें पाँच दें छः दें इतने दें और बहुत जल्दी इनकी बेबी आ जाएंगे। ये तो इसने एग दिया यार, इसने भी अभी तक एग नहीं दिया यार, ये भी बहुत जल्दी देंगे, मतलब कि सारे हमारे मिनी जूम के बच्चे एग के तैयार हो गए हैं। इनका सेटअप बड़ा करना पड़ेगा भाई साहब, इनका सेटअप बड़ा करना पड़ेगा। तुम चले जाओ अंदर फीमेल के साथ, नीचे आ जाओ फीड वगैरह खा लो। चलो चलो चलो।